आप जमीन पे कब्जा कर सकते हो, लेकिन ऐसे इवॉल्व पंडितों की, आई मीन स्कॉलर्स के फ्री माइंड पे कैसे कब्जा करोगे? तो फिर शुरू हुआ एक नया सिलसिला, तलवारों और बंदूकों के जोर पर इन पंडितों को कन्वर्ट करने के लिए भेजे गए इन टायरेंट्स के सोल्जर्स, जो उन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे, और जो नहीं मानता था उन्हें पैर के तले रौंद दिया जाता था। और ये लोग वो थे जो खुद। हेलो गाइस, सबसे पहले सभी को नमस्कार, जय हिंद। और मैं अभी थोड़ी देर पहले द कश्मीर फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री जी की मूवी है, वो देख के आया हूँ। क्या बताऊँ आप लोगों को, अगर आपने कभी भी ये सोच रखा है ना कि जो घटना जो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई है वो ना हो किसी के साथ, तो प्लीज़ 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 एक बार से ये मूवी आप लोग जरूर देखें। एकदम से अंदर से जो आत्मा है ना वो कांप जाती है इस मूवी को देख के, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंडिंग। ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको मतलब आप देख के ऐसा हो सकता है कि आपके आंसू, कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान क्यों ना हो, बिना आंसू रोके हुए आंसू वो इंसान रोक ही नहीं सकता है। आइए एक छोटा सा क्लिप है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो चलिए पहले वो क्लिप देख लेते हैं मूवी का, उसके बाद फिर बात करते हैं। उनके तो सर ने भी हमारे जहाँ पंडित अनुपम खेर रोशन जी के बीच में कहा सुनी होती है, और एक जहाँ शंकराचार्य ने तप किया जो कि कश्मीर हमारा में है, वो जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तुम जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? तुम क्या जानते हो कश्मीर के बारे में? पॉलिटिक्स नहीं करेगा, पॉलिटिक्स का बस एक ही अंत, विनाश, मौत। एक्चुअली मैं अगर इसको फिल्म बोलूं तो ये फिल्म नहीं है, इट्स अ रियलिटी, रियलिटी ऑफ द हिंदूज, जो कि 1990s में कश्मीर में जिन हिंदूज के साथ में ये सब हुआ, ये उसकी रियलिटी है, सच्चाई है, जिसको 30 सालों से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर और जो भी हिस्टोरिकल बुक्स है, कहीं भी ये सब इन सब चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया। और मैं हिंदूज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज भी ये कहकर उनको बुलाती है कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडित नहीं है, दे आर द हिंदूज। कश्मीर जो है वो हमारा इंडिया का पार्ट है, उसको आप पार्टिकुलर करके कश्मीरी हिंदू नहीं बोल सकते हो, दे आर द हिंदूज। और उनको इस तरीके से जिनोसाइड किया गया था, आप जिस मूवी में देखेंगे बच्चे बूढ़े जवान किसी को नहीं छोड़ा गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। आत्मा कब जाती है, आत्मा जो है कांपने लगती है ये सीन्स देख के। जो आज कश्मीर में हो रहा है वो भारत के किसी भी कोने में हो सकता है, भारत का कोई भी स्टेट दूसरा कश्मीर बन सकता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस मूवी से एक चीज हमने जरूर सीखा कि सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप हथियार आप उठा। मीडिया अपना काम सही से नहीं करती, आज आप ही देख लीजिए द कश्मीर फाइल्स मूवी है, विवेक अग्निहोत्री जी द्वारा बनाई गई, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसका इसको प्रमोट ही नहीं किया गया। आप जहाँ तक देखें सोशल मीडिया हो, सिर्फ यहाँ पे ये प्रमोट किए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स हुए या सोशल इन्फ्लुएंसर हुए उनके मदद से इसको प्रमोट किए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ से पल्ले जा रही है। इवन जो कपिल शर्मा शो आपने देखा है या आप देखते हैं, उन्होंने भी इसको प्रमोट करने से मना कर दिया। क्यों, आखिर क्यों? क्योंकि ये एक रियलिटी मूवी है, रियलिटी नहीं मूवी नहीं है, ये रियलिटी ही है। इसको विवेक अग्निहोत्री ने रिसर्च पेपर से कहाँ लेके आए हैं, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि लोगों की आंखें खुले और अभी जागो आप।
हम जैसे काफ़ी लोग हैं जिनको कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है। इवन मैं खुद नहीं जानता था इससे पहले कि कश्मीर की इस कंडीशंस के बारे में, लेकिन जब ये मूवी मैं अभी थोड़ी देर पहले देख के आया हूँ उसके बाद मुझे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से उनको मारा गया, काटा गया। इवन बच्चे, क्या बताऊँ, आप खुद देखें ये मूवी। अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, तो इस मूवी को आप एक बार ज़रूर से देखें, ये मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। और सबसे बड़ा बड़ा बिग थैंक यू टू विवेक अग्निहोत्री जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, जिन्होंने इस मूवी को बनाया और इतना करेज दिखाया। साथ ही अनुपम खेर साहब, माइंड ब्लोइंग, सारे किरदार एक से बढ़कर एक थे। एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि हम किसी मूवीज में बैठे हुए हैं। मैं तो वहाँ बैठ के ये सोच रहा था कि हम सिर्फ ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन जिन्होंने वहाँ झेला होगा उन पे ये क्या बीता होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मूवी को देखें और फिर अपना रिव्यू हमें ज़रूर से कॉमेंट करें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।